بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن, कह दीजिए नबी के मेरी जानिब वही की गई है कि जिन्नों की एक जमात ने सुना, किसको सुना, कुरान को सुना. فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا, उन्होंने कहा हमने सुना है एक बहुत ही दिल को लुभाने वाला कुरान. यहदी लरुश्त, जो नेकी और रुश्त और हिदायत की तरफ रहनुमाई कर रहा है. फामन ना भी, तो हम तो ईमान ले आए. उस वक्त भी मैंने कहा था ये लम्हा फिक्रिया है, एक दफ़ा क्या इज्तिमा है कुरान का, और वो बंदे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, दाई बन गए. हमारा क्या हाल है, हमने उस मानी में कुरान कभी पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं. सुनते हैं तो खैबर मील की स्पीड से जो पढ़ रहा होता कारी, पाँच दिन में पूरा कुरान, छः दिन में पूरा कुरान, और इश्तहार दिए जा रहे हैं. ये है हमारा रिचुअल. यहाँ तो 20 मिनट में हो जाती है, यहाँ 30 मिनट, यहाँ चलो वहाँ और से भी कम में हो जाती है, वहाँ चलो. कुरान का नतीजा तो ये निकलना चाहिए वो आपको पोजेस कर ले, जाने ना दे. इन्ना समयना कुरान नाजबन यहदी लरुश्द फामन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा, अब हम कभी भी अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे. वल्लहु तआला जद्दु रब्बिना, और यकीनन हमारे रब की इज्जत शान बहुत बुलंद है. मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा, उसने नहीं इख्तियार की ना कोई बीवी और जोरू ना कोई औलाद. वअन्नहु काना यकूल सफी होना अलल्लाह शतका, और यकीनन हमारा जो बेवकूफ़ है बड़ा, मुराद यहाँ पे है वही अजाज़ील इबलीस लईन, वो चूंकि हमारा जरा बड़ा बटगुर है तो वो जो कुछ कहता रहा है वन्ना ज़नन्ना अल्लन तकूल अल-इंस वल-जिन्न अलल्लाह कसिबा, हम तो इस गुमान में रहे खुशगुमानी में कि जिन और इंसान अल्लाह ताला के ऊपर झूठ नहीं बांधेंगे, लेकिन वो बदमाश तो झूठ बांधता रहा, हमने अपनी शराफत में उसकी बात को मान लिया. वन्नहु कान रिजालु मिन अल-इंस यऊदून बिरिजाली मिन अल-जिन्न फज़ादूहुम रहक़ा, और ये कि जो इंसानों में से मर्द हैं वो जिन्नात के मर्दों में की हिफाजत पकड़ते हैं. ये होता था उनका तरीका, वो समझते थे कि बयाबान में जो है जिन्नात रहते हैं और वो उनके जो हैं सरदार भी हैं, तो अब रास्ते ने पड़ाव डाला है जंगल में, तो सबसे पहले कहते थे कि हम इस जंगल के इस बयाबान के जिन्नात की हम पनाह में आते हैं. अब वो सुनते होंगे ये बेवकूफ़, ये आदम की औलाद, हमारे तो जद्दे अमजद को निकाल दिया गया जन्नत से इसलिए कि उसको सजदा नहीं किया, ये हमें और हमें माबूद बनाए बैठे हैं, हमारी पनाह तलब कर रहे हैं. लिहाजा उनमें और सरकशी पैदा हो गई और अकड़ गए कि ये इंसान होकर ये हमारी पनाह मांग रहे हैं, हमसे तलब कर रहे हैं पनाह. तो इससे उनके अंदर और ज्यादा सरकशी पैदा हो गई. वअन्नहु काना रिजालु मिनल इंस यऊज़ून बिरिजालिन मिनल जिन्न फज़ादूहुम रहक़ा, वअन्नहुम ज़न्नू कमा ज़न्नतुम अन लन यबअथ अल्लाहु अहदा, देखो उन्होंने भी ऐसा ही समझा जैसा कि तुमने समझा हुआ है कि अल्लाह किसी को नहीं उठाएगा. इसके दो मानी हैं, यानी बासे बादल मौत कोई नहीं है, मरने के बाद जी उठना नहीं है, और ये भी कि शायद अब अल्लाह किसी और को रसूल बनाकर न भेजे. अन यबअथ अल्लाहु अहदा, इसलिए कि 600 बरस बीत चुके थे, वो तौरात से वाकिफ थे जो सूरह अहकाम में तज़किरा आया है. फतरत वही 600 बरस, जो ये तवील तरीन वक्फा था नबूवत का, कि कोई नबूवत कोई रिसालत दुनिया में नहीं, तो उनको यकीन उससे ख्याल हुआ होगा कि बस अब ख़त्म हुआ मामला, अब कोई और रसूल नहीं आएगा. वाना नमस्ता समा, और हमने ज़रा टटोला आसमानों को, आसमान को हमने चाहा कुछ खबरें वबरें लेकर आए ज़रा गैब की. फवजद ना बोले थारासन शरीदम व शोभा, तो हमने तो पाया उसको कि वो भरा हुआ है सख्त चौकीदारी से और अंगारे रखे हुए हमारी वो हमें खदेड़ने के लिए. यानी ये कि हमें मालूम हो गया कि कोई वाकई वक्त ऐसा है, क्योंकि ये सारा इंतजाम खास तौर पर जबकि वही ये नबूवत आती थी तो एहतमाम कर लिया जाता था. आम हालात में कोई बात नहीं, रूह उतर रहे हैं फरिश्ते और ये जो है ये आग से बने हैं, वो नूरी हैं ये नारी हैं, कुछ ना कुछ उनसे याराना गांठ के कुछ ना कुछ उनसे ले लेते थे. या ये कि उछक लिया मन इस तरह कसरा कतन, किसी ने कोई चीज़ जो है कहीं से ले ली. लेकिन अब जो हमने देखा है आसमान को, तो वाकई वहाँ तो बड़े सख्त पैरे लगे हुए, यानी कोई ना कोई वही का सिलसिला है और नबूवत आनी है, और वो नबूवत हमें तो मिल गई, हम जाकर सुनाए कलाम और हम ईमान ले आए. वाना नमस्ते समा फजना बोलिया था रसन शरीदों व शोहबा वाना कुन्ना नकोदो मिन्हा मकायदा,
और हम वहां बैठा करते थे, वहां के घाट में बैठा करते थे कुछ सुनगुन लेने के लिए, मकद बैठने की जगह, बोरचा यहां पे बैठा जाए, हम वहां पर अपने ठिकानों में बैठा करते थे। फमन, लेकिन अब अगर किसी ने कुछ सुनने की कोशिश की, यजिद लहू शिहाबर रसदा, वो पाएगा अपने वास्ते एक अंगारा घाट में, मिजाई पीछा करेगा उसका। वाना ला नदरी अशरुल उरीद अब मनफिल अर्थ अब अराद बिम रबहुम रशदा। मालूम होता बहुत बड़े आलिम थे ये तौरात के जानने वाले, उन्होंने एक ऐसी अजीम बात कही है, ये हमें यह मालूम नहीं कि आया जमीन में बसने वाले इन इंसानों की कोई शामत आ गई है या अल्लाह ने उनके लिए किसी भलाई का इरादा किया है। रिसालत आएगी तो दो ही नतीजे हैं, या तो कोई अजाब आने वाला है, इसलिए कि वमा कुन्ना मुअज्जिबीन हत्ता नबअथ रसूला, या तो कोई बहुत बड़े पैमाने पर इंसानों की शामत आने वाली है, जैसे कौम नूह, कौम हूद, कौम सालिह का हश्र हुआ था, वो वैसा ही हश्र होने वाला है। अल्लाह नजरी हम नहीं जानते, अशरुन उरीदा बिमन फिल अर्ज, जमीन वालों के लिए किसी शर का फैसला किया गया है, अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा, या उनके लिए उनके रब ने भलाई का खैर का इरादा किया है। जाहिर बात है नबूवत और रिसालत मुहम्मदी खैर पर मुंतज हुई, वन्ना मिन्ना सालिहून व मिन्ना दून ज़ालिक, और देखो हमारे अंदर नेक भी हैं, जिन्नात नेक भी रहे हैं और दूसरी तरह के भी हैं, बद नहीं कहा, यह है हिकमत तबलीग, बुरों को भी बुरा ना कहो, हाँ दूसरे किस्म के भी हैं, नेक भी है और दूसरी किस्म के भी हैं। कुन्ना तराय कदादा, हम थे मुख्तलिफ रास्तों पर जो कि एक दूसरे से फटे हुए थे। ये कदादा जो आया था ना, कुद्दत कमीस हो, फट जाना कमीज का। वन्ना जनन्ना अल्लम नौजद अल्लाह फिल अर्द वलन नौजदहु हरबा, और हमने ये जान लिया कि हम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते, ना जमीन में भाग कर और हम कहीं भाग कर और जमीन में अल्लाह को शिकस्त नहीं दे सकते, उसकी पकड़ से निकल नहीं सकते। वन्ना लम्मा समेन अलहुदा आमन्ना बिही, और हमने तो जब वो हिदायत सुनी, अलहुदा सुना, उसकी इस्तेमा हमने किया, हम तो उस पर ईमान ले आए। फमन यूमिन बिरब्बिही फला यखाफु बख्सन वला रहाका, तो जो कोई भी जबरदस्ती होगी, कुछ ज्यादती होगी, जैसे जैसे उनके आमाल सालिहा हैं पूरे पूरे अल्लाह ताला उनका अजर उनको दे देगा। वन्ना मिनल मुस्लिमून व मिनल कासितून, और देखो हमारे अंदर वो भी है जो फरमा बरदार है और वो भी है जो बेइंसाफी करते हैं। ये किस्त के लफ्ज के साथ समझ लीजिए, जब ये सलासी मुजर्रद में आता है तो कासित इसमें फाइल बना, वो नाइंसाफ के मानी में है, ये बाब इफाल के खवास में से है, सलब माखद इसको कहते हैं। जब बाबी इफाल में आएगा तो उसके माने हैं अदल इंसाफ, और जब सलासी मुजरद में आएगा तो ना इंसाफी। कासितून, फमन असलमा फौलाए का तहर्रा और रशदा, जो लोग इस्लाम ले आए, इताअत कबूल कर ली, तो उन्होंने तो गोया के ढूंढ निकाली खैर की राह, नेकी की राह उन्होंने तलाश कर ली। वह अमल कासितून, और जो बे इंसाफ फकानू जहन्नम हतबा, वो लोग जो है फिर जहन्नम का ईंधन बनकर रहेंगे। यहां तक उनकी तकरीर है जो उन्होंने तबलीग की है। अब जो बात आगे आ रही है ये खुद अल्लाह की तरफ से कलाम है। अन लबिस्तकामु अला तरीकति लास्तैनाहुम मान गदका, और ये कि ये अगर लोग अपने उस तरीके पर जो तरीका अंबिया का था, जो आदम ने दिया था, जो नूह ने दिया था, ये चलते रहते तो हम इन्हें खूब पिलाते पानी भर भर कर, खूब सैराब करते इनको। यहां लफ्ज तरीकत आया है कुरान में, शरीयत तरीकत, सुम्मा जालना का अला शरीयत मिनल अम्र, शरीयत और ये तरीकत दोनों का मफूम एक है, तरीका शरीयत, लेकिन ये कि इसका इस्तेमाल हो रहा है कि शरीयत से मुराद ली जाती है जो दीन की का कानून है उसके जाहिरी पहलू, कानूनी पहलू, और तरीकत उसी के बातनी पहलू का नाम है कि एक नमाज है, वुजू कैसे करोगे, क्या फराइज हैं, क्या नवाफिल हैं, क्या काम रह गया तो वुजू नहीं हुआ, ये शरीयत बताएगी, ये आपको फकीह बताएंगे, ये आपको मुफ्ती हजरात बताएंगे। लेकिन नमाज की असल रूह तो है खुशू और खुजू, हुजूर कल्ब, ये फिर तरीकत की तरफ मुंतकिल कर दिया गया, बदकिस्मती से फिर इनको फाड़ दिया गया, वो अलहदा अलहदा हो गए। ये सब चीज़ें यकजा होनी चाहिए थी, और जो हमारे अवलिन सूफिया हैं वो बहुत बड़े आलिम भी थे, ऐसे नहीं थे कि सिर्फ सूफी सूफी थे, वो बहुत बड़े मुफ्ती भी होते थे, बल्कि अवलिन क्या इस दौर में भी, जो मैंने आपसे बताया था कि काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह, वो मुफ्ती भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, और बहुत बड़े मुर्शिद भी हैं, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना शहीद के खलीफा हैं, और ये सब शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह का जो सिलसिला है, सिलसिला मुजद्दिदिया नक्शबंदिया, उसके बुजुर्ग हैं।
वो है, वो जामे जामे वो सिफात लोग। लिनफ्त लहुम फीह, और ये भी जो हमको पानी पिलाते और सैराब करते, ये भी इसलिए ताकि उनको और जांचे और परखे और इम्तिहान ले। एक इम्तिहान गुरबत में है, एक इम्तिहान कमनगरी में है, एक इम्तिहान फाके में हो रहा है, एक इम्तिहान हो रहा है कि कसरत से हमने दे रखा है। वमन यूरिद अन ज़िक्र रब्बिही, और जो कोई भी एराज करेगा अपने रब के जिक्र से, यसलुक अज़ाबन सअदा, तो वो चलेगा, वो डाल देगा उसको चढ़ते अजाब में, अल्लाह ताला ऐसे अजाब में, सअदा जिसकी शिद्दत बढ़ती चली जाएगी। वन मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअ अल्लाह अहदा, और देखो मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं। मस्जिद से मुराद मस्जिद सजदे की जगह भी है, और मस्जिद से मुराद सजदे के ये अज़ा भी हैं, ये पेशानी और ये नाक और ये हाथ और ये पाँव, एड़ियाँ, वो पंजे, ये सारे जो हैं ये सजदे के जो जिस्म के हिस्से हैं। ये मस्जिदें भी और सजदे की जगह भी लिल्लाह है, सब अल्लाह की मिल्कियत है। फला तदउ मअ अल्लाह अहदा, अल्लाह के साथ किसी और इलाह को मत पुकारो। वअन्नहु लम्मा क़ामा अब्दुल्लाह यदूहु कालू यकूनून अलैहि लिबदा, और ये अब यहां फिर कौल आ गया है उन्हीं का, जिन्नात का, कि जब वो अब्दुल्लाह को हमने देखा, वो खड़ा था, वो कुरान पढ़ रहा था, वो नमाज पढ़ा रहा था, लम्मा क़ामा अब्दुल्लाह यदूहु, उसे पुकार रहा था अल्लाह को, अल्लाह का बंदा, कालू यकूनून अलैहि लिबदा, वो तो ऐसे हो रहे थे सुनने वाले गोया कि उसके ऊपर ठट के ठट जमा हो जाएंगे वहां पर, लेकिन यह कि वो ईमान नहीं ला रहे थे। कुल इन्नमा अदउ रब्बी, कह दीजिए ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो मैं पुकारता हूँ अपने रब को, वला उशरिकु बिही अहदा, उसके सिवा मैं किसी और को शरीक करने के लिए तैयार नहीं। कुल इन्नी ला अम्लिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा, कह दीजिए मुझे कोई इख्तियार हासिल नहीं है तुम्हारे लिए, न किसी नुकसान का और न किसी राह पर लाने का, मैं तुम्हें हिदायत नहीं दे सकता। वो आयत याद कर दीजिए, इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, ऐ नबी आप हिदायत नहीं दे सकते जिसे भी चाहें, वो तो अल्लाह ही हिदायत देता है जिसको चाहता है। कुल इन्नी लन युजीरनी मिन अल्लाह अहद वलन नजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, कह दीजिए मैं हरगिज ना पाऊंगा कि मुझे अल्लाह के सिवा कोई पनाह दे सके। युजीरनी मिन अल्लाह अहद, अल्लाह की पकड़ से बचाने के लिए मुझे कोई पनाह दे सके, मैं नहीं पाऊंगा। वलन अजद मिंदून ही मुलतहदा, और अल्लाह के सिवा मैं कहीं जो है कोई अपना सर छुपाने की जगह नहीं पाऊंगा। इल्ला बलागम मिन अल्लाह। अगर मैंने यह काम नहीं किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। हम तो पूछ कर रहेंगे उनसे भी जिनकी तरफ रसूलों को भेजा, और पूछ कर रहेंगे रसूलों से भी। वमन यासिल्लाह व रसूलहु, जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, फिन लहु नार जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, तो उसके लिए तो फिर जहन्नम की आग है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेगा। हत्ता इदा राव मा युअदून, यहां तक कि जब वो देखेंगे जिस चीज की उन्हें धमकी दी जा रही है, फसयालमून मन अज़फ़ नासरन व अक़ल्लु अददा, उस वक्त इन्हें मालूम हो जाएगा कौन कमज़ोर है मददगारों के एतबार से और कौन अकलियत में है तादाद के एतबार से। वो ताने देते थे ना कि देखो मोहम्मद तुम्हारे पास तो बैठे भी होते हैं तो हमारे कमी कारी बड़े लोअर तबकात के लोग, और वो भी चंद होते हैं, देखो जाके अबू जहल की महफिल भरी हुई है, बड़े बड़े लोग बैठे हुए वहाँ पर। उस वक्त मालूम हो जाएगा मन अज़फ़ नासरन व अक़ल्लु अददा। ये सूरह मरियम में बहुत तफसील से ये मज़मून आया है। قُلْ إِنَّ أَدْرِي قَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا, कह दीजिए नबी मुझे ये मालूम नहीं है आया जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जा रहा है, जिस चीज़ की धमकी दी जा रही है। वादा और वईद बुनियाद एक ही है, असल में असल अल्फाज एक ही है, वईद धमकी वादा, लेकिन हरूफ असली वही है। आया वो करीब आ चुकी है उसे, या अम यजअलु लहु रब्बी अमदा, या ये कि मेरा रब उसके लिए अभी कुछ मोहलत दे, कोई तुम्हारी रस्सी दराज करिए, मैं नहीं जानता। ये सूरह अंबिया के आखिर में भी आया था, बोली नदरिया करीब मातून, कह दीजिए नबी मैं नहीं जानता कि जिस चीज का तुमसे वादा किया जा रहा है वो करीब आ चुकी है या भी दूर है। आलिमुल गैब, वही है गैब का जानने वाला। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन, वो अपने गैब पर किसी को मुतला नहीं करता, इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूलिन, सिवाय जिसको वो चाहे अपने रसूलों में से। ये बहुत अहम कानून है कुरान का, और इसमें सारा मसला इल्म गैब का हल होता है। एक बात तो यह कि हमारे जो भी बरेलवी भाई हैं वो भी मानते हैं, चार बातें वो मानते हैं, तीन मैंने एक मरतबा तहकीक की थी बड़ी मुफस्सल जाकर, बाद दोनों से मुलाकात की, अभी मैं तालिबे उठा
कहा देखिए हम साबित मानते हैं इस बात को, नबी का इल्म जाती नहीं अताई है, अल्लाह ने जो दिया वही है। नबी का इल्म कदीम नहीं हादिस है, पहले नहीं था फिर हो गया, अल्लाह ने दे दिया तो हो गया। और नबी का इल्म गैर महदूद नहीं महदूद है। मैंने कहा ये तीन बातें जो शख्स मान ले मेरा उससे अब कोई झगड़ा नहीं रहा। लेकिन हमारे यहां कुछ लोगों ने एक डेफिनेशन कर ली इल्म गैब की, इल्म गैब वो है जो बगैर किसी के बताए खुद हासिल हो जाए, उस एतबार से तो मेरे पास भी इल्म गैब है। नहीं यानी किसी के पास कोई इल्म है ही नहीं, हमें दिया असातिज़ा ने दिया, हुजूर को दिया अल्लाह ने दिया, जिब्रील को दिया अल्लाह ने दिया, इस मानी में तो जाती इल्म तो कोई भी नहीं मांगता किसी का, इल्म तो देने से होता है। अलबत्ता इल्म गैब किसे कहते हैं, वो चीजें जो हमारी निगाहों से छुपा दी गई हैं, वो आलम गैब है, जन्नत है दोजख है फरिश्ते हैं ये सब क्या है आलम गैब। तो नबियों को तो कुछ ना कुछ हिस्सा उसका दिखाया जाता है तो नबी बनते हैं ना, वरना मेरे और नबी में फर्क क्या हुआ फिर। अगर मेरा भी इल्म वही होता इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा तो मेरे इल्म में और हुजूर का भी इल्म यही होता तो फर्क क्या हुआ। हुजूर ने तो इस दूसरे इल्म के अदबार से तो साफ कह दिया तुम आलम हो बेअमूर दुनिया को, लेकिन हुजूर को मेराज में जन्नत दिखा दी दोजख दिखा दी। जमीन पर रहते हुए आप नमाज पढ़ा रहे थे, गालिबन वो जो कि नमाज पढ़ाई जाती है जबकि बारिश नहीं होती इस्तिस्का की नमाज, उसी के दौरान अचानक एक दफा आप आगे बढ़े, लोग हैरान हुए क्या हुआ है, एक दफा पीछे हटे, लोगों ने पूछा बाद में कि हुजूर ये नमाज का हिस्सा था यानी हम भी फिर सदा किया करें इस नमाज के अंदर। फरमान नहीं, असल में मेरे सामने जन्नत ले आई गई, अब बेइख्तियार मेरा हाथ बढ़ गया कि मैं उसका फल तोड़ लूं, और मेरे सामने उसके बाद दोजख ले आई गई और उसका जो बमका आया गर्मी का उससे मैं बेइख्तियार पीछे हटा। दुनिया में सैर करा रहे हैं, बहरहाल ये गैब ही में से है। अलबत्ता कुल गैब ये जो माने अल्लाह नबी के लिए वो काफिर है, और वो मानते हैं बरेलवी भी मानते हैं, कुल गैब का कोई सवाल ही नहीं। नबी का इल्म महदूद है, नबी का इल्म हादिस है, नबी का इल्म अताई है, तीन बातें मान लीजिए। बाकी नबी का इल्म कितना था कितना नहीं था ये मैं कौन हूं नापने वाला और आप कौन है नापने वाले। दिया अल्लाह ने जो दिया, बताया जो बताया अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। तो ये आलिमुल गैब वो है गैब का जानने वाला, फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन, तो वो नहीं मुतला करता अपने गैब पर किसी को, हाँ इल्ला मन इर्तदा बिल रसूल, सिवाय अपने रसूलों के। कदालिक नूरी इब्राहिम मलकूत समावात वल अर्ज़, हम नहीं पढ़ चुके इब्राहिम को भी मलकूत दिखाए हुजूर को। मिन बैन यदेह व मिन खल्फ रसदा, जिसको रसूल बनाता है गैब की खबरें देता है, फिर उसके आगे और पीछे वो अपने बॉडी गार्ड रखता है चौकीदार रखता है। जसलो को मिन बैन यदेह, उसके सामने भी व मिन खल्फ ही पीछे से भी चौकीदार हिफाजत करने वाले। ले यालम अन कद अबलगू रिसालात रब्बिहिम, ताकि ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि उन्होंने वाकईतन अपने रब के पैगामात पहुंचाने का हक अदा कर दिया। जैसा कि हुजूर ने पूछ कर जवाब लिया था, इन्ना नशहद अन्नका कद बल्लगता रिसालता व अदैतल अमानता व कशफतल गुम्मता व नसहतल उम्मता, हम गवाह हैं हुजूर। व अहाता बिमा लदैहिम, और अल्लाह ताला जो कुछ उनके पास है सामने सबका इहाता किए हुए है। व अहसा कुल्ल शैइन अददा, और हर शय की उसकी जो इन्वेंट्री है वो बड़ी मुकम्मल है, कोई चीज़ वहां से गायब होने वाली नहीं है, हर एक आदत के साथ हिसाब किताब का उसने रखा हुआ है।